Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I'll continue with our one topic one week series on accountancy, and today in this video I will discuss consignment accounts. So students, as you all know, मैं हर एक week आपके syllabus से एक heading pick कर रही हूँ और उसको one topic one week series के अंदर मैं complete कर रही हूँ. एंड स्टूडेंट्स, ये वन टॉपिक वन वीक सीरीज़ मैंने इसलिए बनाई है सो दैट आपके सिलेबस को टाइमली कवर अप किया जा सके. एंड लास्ट संडे को हमने अकाउंटेंसी को लिया था इस सीरीज़ के टॉपिक के लिए, एंड एज इट संडे टुडे इस हेडिंग के अंडर में हमने 7 डेज कंप्लीट कर लिए हैं. तो ये आज का वीडियो जो है अकाउंटेंसी के अंडर में लास्ट वीडियो है, ठीक है. एंड स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपके सिलेबस में जो एंट्रेंस सिलेबस है आपका, उसमें अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को दो अलग अलग पार्ट में जो है आपको हेडिंग की तरह प्रोवाइड किया गया है. दो अलग हेडिंग्स हैं ये. तो एक हेडिंग तो अकाउंटेंसी है, आज हमने कंप्लीट कर ली. जो अदर हेडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं रेशियो एनालिसिस के टॉपिक से. तो उसको हम सेपरेटली कवर करेंगे और उस पर भी सीरीज़ बहुत जल्दी आएगी. एंड रिटर्निंग बैक टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, कंसाइनमेंट अकाउंट्स. बट बिफोर दैट, जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माई चैनल आई एम हेयर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी. एंड आई अपलोड वीडियोज डेली, सो सब्सक्राइब इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड येट. एंड लेट्स बिगिन नाउ. सो मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट. सो वट इज़ कंसाइनमेंट, लेट्स फर्स्टली डिस्कस दिस. सो कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट इज़ अ सिस्टम वेयर वन पर्सन सेंड्स द गुड्स टू अनदर सो दैट द लेटर कैन सेल द दोज गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हु सेंड्स इट इन द फर्स्ट प्लेस, एंड रिस्क रिलेटेड टू सच गुड्स विल बी ऑन द पार्ट ऑफ द कंसाइनर. सो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, द वन हु इज सेंडिंग, द अदर हु इज़ रिसीविंग, ठीक है. जो सेंड कर रहा होता है गुड्स को उसे कहते हैं कंसाइनर, और जो रिसीव कर रहा होता है वो होता है कंसाइनी. सो कंसाइनर अपने गुड्स को सेल नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ सेंड कर रहा है सो दैट द अदर पर्सन, यानी कि जो कंसाइनी होता है, जो रिसीव करता है उन गुड्स को, वो गुड्स को बेच सके कंसाइनर के बिहाफ पे. बट ऐसे गुड्स से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी रिस्क ऑफ लॉस हैं, वो सारे किसके पार्ट पे हमेशा रहते हैं? कंसाइनर के पार्ट पे. कंसाइनी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस. तो ये सारे रिस्क दे आर ऑलवेज बोर्न बाय द कंसाइनर ओनली एंड नॉट द कंसाइनी. एंड सेलर सेंडर कौन होता है? हमेशा कंसाइनर. और रिसीवर कौन है यहाँ पे? कंसाइनी. और ये कंसाइनमेंट सेल नहीं होती है, दिस इज़ ओनली सेंडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है. अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो कंसाइनमेंट इज़ अ स्पेसिफिक कमर्शियल एग्रीमेंट इन विच मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एट हिज ओन रिस्क सेंड्स गुड्स फॉर सेलिंग टू आउटस्टेशन ट्रेडर और कंसाइनी, फॉर विच कंसाइनी इज गिवन अ फिक्स्ड रेट, ठीक है. कमीशन मिलती है कंसाइनी को इसके अगेंस्ट में, जो जो है सेल कर रहा है वो गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर. तो कंसाइनमेंट एक एग्रीमेंट है, ये बात याद रखिएगा कि हमेशा एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट है, ठीक है. इन विच दी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, ये हमेशा, सो हमेशा कंसाइनर कौन होता है? या तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, ठीक है. ही सेंड्स सच गुड्स ऑन हिज रिस्क, ऑन हिज ओन रिस्क, ठीक है, फॉर सेलिंग पर्पस. और ये जो है रिसीव कौन करता है? कंसाइनी, जो कि मोस्टली आउट स्टेशन ट्रेडर्स होते हैं. दे रिसीव सच कंसाइनमेंट एंड दे सेल ऑन दी ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, और इसके अगेंस्ट में उन्हें मिलती है कमीशन. ये कंसिडरेशन है उनकी इस पूरे अग्रीमेंट के अगेंस्ट में, और ये कमीशन हमेशा फिक्स रेट पे होती है. यानी कि अग्रीमेंट के अंडर में ये भी मेंशन होता होगा कि ये जो कमीशन है वो किस फॉर्म में होगी और किस रेट पर होगी. ये फॉर्म क्या है मैं बताऊँगी आपको, टाइप्स ऑफ कमीशन होते हैं, तो कौन सी टाइप की कमीशन जो है उस पर कमीशन एग्री की होती है कंसाइनी ने, ये डिपेंड करता है, अग्रीमेंट में ही मेंशन होती है ये भी चीज़ें. सो द रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज सेम एज द प्रिंसिपल एंड एन एजेंट. सो प्रिंसिपल कौन होता है? कंसाइनर. और एजेंट कौन होता है? कंसाइनी. सो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है, यानी एजेंसीशिप रिलेशनशिप यहाँ पे होता है. एंड जो कंसाइनर होता है वो प्रिंसिपल है, और कंसाइनी एजेंट है, वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, इसलिए हमेशा कंसाइनी एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए उसे एजेंट बोलते हैं, ठीक है. मूविंग ऑन टू द पार्टीज इन कंसाइनमेंट अकाउंट. सो देयर आर टू पार्टीज इन कंसाइनमेंट, वन इज कंसाइनर एंड अदर इज कंसाइनी. सो द पर्सन सेंडिंग द गुड्स इज द कंसाइनर, एंड कंसाइनी कैन बी अ पर्सन और अ कंपनी टू हुम द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली सेंट और डिलीवर्ड. सो इसमें कंपनी या पर्सन दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि ह्यूमन भी एक कंसाइनी का रोल जो है ले सकता है, और एक कंपनी भी कंसाइनी की तरह एक्ट कर सकती है. तो दोनों ही केस पॉसिबल हैं, दोनों ही चीज़ें, ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी के केस में. एंड ओके, लेट्स सी हाउ सेल एंड कंसाइनमेंट आर बोथ डिफरेंट. सो ये जो है हम बेसिस ऑफ कंपैरिजन के
थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, दोनों की मीनिंग क्या होती है। सो कंसाइनमेंट क्या है, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय टू द एजेंट बाय द ओनर फॉर सेलिंग पर्पस इज नोन एज कंसाइनमेंट। सो कंसाइनमेंट में सिर्फ गुड्स डिलीवर हो रहे होते हैं, ओनर सेंड करता है, एजेंट उसे रिसीव करता है, सो दैट एजेंट उन गुड्स को फर्दर सेल आउट कर सके। तो ये हो गया आपका कंसाइनमेंट। और सेल क्या होती है, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अ प्राइस विच इज़ नोन एज सेल। सो सेल क्या होता ही है, हमेशा इसमें गुड्स एक्सचेंज होते हैं, और एक्सचेंज किस बेसिस पे किए जाते हैं, प्राइस के अगेंस्ट। तो हमेशा प्राइस दिया जाता है, गुड्स ले लिए जाते हैं। सो सेल इज़ सिंपल, इसी तरह से जो है गुड्स को की पोजिशंस और ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है सेल के केस में। बट कंसाइनमेंट में क्या होता है कि गुड्स सिर्फ इसलिए भेजे जा रहे होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास डिलीवर हो रहे होते हैं, सो दैट इट कुड बी फर्दर सोल्ड आउट। इसमें पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं तो देख लेते हैं। कंसाइनर और कंसाइनी कंसाइनमेंट के केस में, और सेल के केस में सिर्फ सेलर और बायर होते हैं। सो कंसाइनर इज़ द पर्सन हु इज़ सेंडिंग द गुड्स, कंसाइनी इज़ द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द गुड्स, और सेल के केस में कौन होता है, सेलर यानी कि जो अभी तक ओनर था, और सेल होने के बाद बायर बिकम्स द ओनर एंड ही टेक्स द गुड्स विद हिम। नेक्स्ट कम्स रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज़। सो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है कंसाइनमेंट के केस में, प्रिंसिपल कंसाइनर होता है, एजेंट कंसाइनी होता है, ठीक है। और यहाँ सेल के केस में क्रेडिटर्स एंड डेटर का जो है रिलेशनशिप होता है, अगर सेल जो है क्रेडिट पे हुई है तो सेलर ही बिकम्स द क्रेडिटर एंड जो बायर होगा ही बिकम्स डेटर। नेक्स्ट कंपैरिजन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज पोजीशन एंड ओनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको, कि पोजीशन इज ट्रांसफर्ड बट ओनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ कंसाइनमेंट अंटिल दे आर सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर। सो जब गुड्स जो है कंसाइनर कंसाइनी को सेंड कर रहा होता है, उससे हम सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र हो रही होती है, ओनरशिप कंसाइनर के ही पास से होती है, और जब तक वो फाइनल कंज्यूमर को सेल आउट नहीं हो जाते वो गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती है, सिर्फ पोजीशन फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी ट्रांसफ़र होती है। बट सेल के केस में क्या होता है, गुड्स भी सेल आउट होते हैं तो पोजीशन भी जाती है और ओनरशिप भी सेलर से बायर के पास ट्रांसफ़र होती है पूरे सेल ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने पर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स रिटर्निंग बैक ऑफ गुड्स। सो कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड स्टॉक टू द कंसाइनर। सो सपोज कंसाइनर ने जितने भी जो है कंसाइनमेंट में जितने भी गुड्स भेजे थे, कुछ उसमें से स्टॉक ऐसा रह गया अनसोल्ड, ठीक है, तो कंसाइनी क्या कर सकता है, उसको रिटर्न बैक कर सकता है कंसाइनर के पास। बट सेल के केस में क्या होता है, वंस सेल इज़ डन बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स टू सेलर अनटिल एंड अनलेस द सेलर अग्रीज टू द सेम। अगर सेलर चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे सेल्स रिटर्न्स और परचेजेस रिटर्न्स हम पढ़ते हैं, तो यहाँ सेल्स रिटर्न वाला जो केस है वो हो सकता है, बट अगर सेलर चाहे तो ही, इफ़ ही अग्रीज ओनली देन बायर कैन रिटर्न, अगर वो अग्री नहीं करता है तो बायर रिटर्न भी नहीं कर सकता गुड्स को। सो नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ लॉस। सो अगर किसी भी तरह का रिस्क होता है गुड्स को, यानी कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कंसाइनमेंट अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है सेंड किया जा रहा होता है, और मोस्टली यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस एंड अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी जो है दे एंटर हियर, कि जो गुड्स इस तरह से सेंड किए जा रहे होते हैं ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री, हमेशा उनको इंश्योर करके ही भेजा जाता है, सो दैट रास्ते में कुछ भी हो सकता है ना, द वॉयज इज़ गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, एंड हो सकता है कि जो है किसी तरह का स्टॉर्म आ जाए या और कुछ नहीं तो सिर्फ गुड्स भीग ही जाएँ अगर पानी से, तो भी तो वो ख़राब हो सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो जितनी भी होती हैं इसलिए उसे इंश्योर कराया जाता है। बट अगर इस तरह के गुड्स इंश्योर्ड भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो फिर वो जो भी लॉस होगा वो कौन उसे बेयर करेगा, सिर्फ कंसाइनर, कंसाइनी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। सेल के केस में क्या होता है, अगर गुड्स में फर्दर कोई लॉस होता है इस ट्रांजेक्शन के बाद, तो वो कौन देखता है, कौन बेयर करता है, सिर्फ बायर, सेलर हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। सो नेक्स्ट कम्स एक्सपेंसेस इनकर्ड। सो कंसाइनमेंट को सेंड करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं ना उस वॉयज को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे जो है इट इज़ मेट ओनली बाय द कंसाइनर। सो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं एक कंसाइनमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिलीवर कराने में, वो सारे कंसाइनर पे करेगा। और सेल के केस में क्या होता है, इट इज़ मेट बाय द बायर। सो अगर सेल पॉइंट ऑफ सेल से जो है बायर की डेस्टिनेशन तक जब गुड्स को मूव कराया जाता है, तो वो एक्सपेंसेस कौन बेयर अप करता है, बायर हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। तो अगर कोई भी पर्सन, जैसे बिजनेस पर्सन बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए, और कोई पर्सन जॉब क्यों करता है, सैलरी के लिए। सो कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनी क्यों गुड्स सेल आउट करता है, वो कमीशन के लिए ऐसा करता है। सो कंसिडरेशन क्या है, उसकी लिए कमीशन। सो कमीशन जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है, यही उसकी कंसिडरेशन है कंसाइनमेंट के केस में। और सेल के केस में क्या होता है, प्रॉफिट टू द सेलर। सो सेलर जो है सेल ट्रांजैक्शन को क्यों कैरी आउट कर रहा होता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो कंसिडरेशन क्या है सेल के केस में, प्रॉफिट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर।
एंड नेक्स्ट कम्स ही टाइप्स ऑफ कमीशन. सो हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कमीशन यानी जो कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है वो कितने तरह की हो सकती है. सो अ पोर्शन ऑफ सेल्स मेड बाय द कंसाइनर इज गिवन टू द कंसाइनी इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजेंट विच इज़ नोन एज कमीशन. सो जो सेल्स का एक पोर्शन होता है वही कंसाइनर जो है कंसाइनी को दे देता है एज अ फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट द सर्विसेज ही प्रोवाइड्स एज एन एजेंट, और इसी को हम कहते हैं कमीशन. सो थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन होते हैं मोस्टली. सो फर्स्ट वन हियर इज ऑर्डनरी या सिंपल कमीशन बोल सकते हैं आप इसे. सो ऑर्डनरी कमीशन के केस में क्या होता है, दिस कमीशन इज चार्ज बाय द कंसाइनी ऑन द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स एंड इज नोन एज द ऑर्डनरी और सिंपल कमीशन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे फॉर्मूला भी मेंशन है दैट कमीशन इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स इनटू फिक्स रेट ऑफ कमीशन. सो अग्रीमेंट में ये फिक्स जो है रेट को पहले ही फिक्स कर लिया जाता है एंड जो कंसाइनमेंट है जब वो सेल आउट हो जाता है तो जो भी उसका अमाउंट होता है जो सेल प्रोसीड्स होते हैं उसके जो है बिहाफ पे ग्रॉस सेल्स जो हुए होते हैं उसी पे चार्ज किया जाता है इस फिक्स रेट को. जो भी रेट होगा उसके हिसाब से कमीशन पे कर दी जाती है कंसाइनी को. ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड एट द फिक्स्ड परसेंटेज टू टोटल सेल्स. सो जितनी भी टोटल सेल्स हुई होती है उसमें ये जो परसेंटेज जो पहले से ही फिक्स होता है उसी पे कैलकुलेट किया जाता है और ये कमीशन पे आउट कर दी जाती है. ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कमीशन इज डेल क्रेडर. सो डेल क्रेडर के केस में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कमीशन इज एन एडिशनल कमीशन फॉर अ एंडेवर ऑफ मैग्नीफाइंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट. इट इज़ कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ ग्रॉस सेल्स. सो इस केस में क्या होता है, इफ द कंसाइनी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलीजिंग द अमाउंट ऑफ डेटर्स इन टेक्स इन केस ऑफ अ क्रेडिट सेल हैज़ बीन मेड. सो एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि कंसाइनर ने अपने गुड्स जो है कंसाइनी के पास भेज दिए और जब कंसाइनी ने सेल किया तो वहाँ पे कुछ क्रेडिट सेल्स हुए होंगे, तो जो डेटर है उससे अगर जो है अमाउंट जो भी ड्यू अमाउंट है उसे लेने के लिए अगर जो है कंसाइनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है, सो वो अश्योर कर रहा है कि ही इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो डेटर है वो ज़रूर से पे आउट करेगा. ही वोंट सच डेट्स वोंट बिकम वोंट टर्न आउट बैड डेट्स. तो इसलिए ये जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए उसको डेल क्रेडर टाइप की कमीशन दी जाती है. सो इट इज़ कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ग्रॉस सेल्स. सो ये भी ग्रॉस सेल्स के ऊपर ही जो है कैलकुलेट होता है और ये रेट जो होता है ये रेट भी पहले से ही डिटरमाइंड होता है. ठीक है, सो दिस कमीशन इज़ एन एडिशनल कमीशन ओवर एंड अबव द ऑर्डनरी कमीशन. तो ऐसा नहीं होता कि ऑर्डनरी कमीशन या डेल क्रेडर मिलती है, ऐसा होता है कि कमीशन जो बेसिक कमीशन है वो तो दी ही जाती है, बट अगर ऐसा हुआ है कि क्रेडिट सेल्स हुए हैं और जो डेटर्स हैं उनसे अभी तक पैसे नहीं रिसीव हुए होते हैं और अगर कंसाइनी बोलता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है फॉर रिलीजिंग द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, तो उसको एक्स्ट्रा जो कमीशन दी जाती है एडिशनल कमीशन होती है हमेशा डेल क्रेडर. बेसिक कमीशन अलग है, डेल क्रेडर उसके एडिशनल कमीशन हुई यानी और भी कमीशन उसको पे की जाती है सच सेल्स. ओके, और सो नेक्स्ट कम्स स्पेशल और एक्स्ट्रा और ओवरराइडिंग कमीशन. तो ये सारे ही नाम जो है आप एक ही कमीशन को रेफर करते हैं, तो आप समझ याद रखिएगा इस चीज़ को कि स्पेशल कमीशन या एक्स्ट्रा कमीशन या ओवरराइडिंग कमीशन हमेशा एक ही चीज़ के लिए. सो इन नॉर्मल प्रैक्टिस इफ कंसाइनी सेल्स द गुड्स एट द प्राइस हायर देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ही विल बी एंटाइटल्ड टू अ कमीशन फॉर द एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड ओवर द नॉर्मल सेलिंग प्राइस. सो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कंसाइनी जो है गुड्स को अगर मान लीजिए वो 1000 रुपीज़ के गुड्स एक यूनिट सेल करने के लिए 1000 रुपीज़ MRP है उसका, बट एनी हाउ कंसाइनी उसे 1500 में सेल आउट कर दें, तो यहाँ जो 500 एक्स्ट्रा उसने जो है MRP बढ़ा के सेल आउट किया है उससे सेल प्रोसीड्स भी ज़्यादा आएंगी. तो अगर वो इस तरह की कोई जो है एफर्ट्स करके उन गुड्स को ज़्यादा प्राइस पर सेल आउट करता है तो उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलती है. इसीलिए आप एज द नेम सजेस्ट ओवरराइडिंग, तो यहाँ से आप ओवरराइडिंग कमीशन से याद रख सकते हैं कि इस केस में क्या होता है, हमेशा अगर गुड्स को ओवर प्राइस करके या हायर प्राइस पे बेचा जाता है तो ही उसे इस तरह की कमीशन एंटाइटल्ड होती है. एंड द कमीशन प्रोवाइडेड ऑन द एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड ओवर द नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज नोन एज स्पेशल कमीशन. सो नॉर्मल सेलिंग प्राइस की जगह एक्सेस अमाउंट पे अगर कोई कमीशन उसे प्रोवाइड की जा रही है कंसाइनी को तो उसे आप जो है स्पेशल कमीशन भी बोल सकते हैं. सो मूविंग फर्दर वी हैव अ फिगर फॉर हाउ कंसाइनमेंट इज सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. सो कंसाइनर यहाँ पे प्रिंसिपल है, आप देख सकते हैं वो गुड्स सेंड कर रहा है कंसाइनी को जो कि एजेंट है. सो
सो ये फिगर बेसिकली आपको अकाउंटिंग एंट्रीज और जो लेजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है। तो ये जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसाइनमेंट में गुड्स हमेशा सेंड किए जाते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, दोनों पार्टीज़ यानी कि कंसाइनर जो प्रिंसिपल है और कंसाइनी जो कि एजेंट है, ठीक है। ही सेंड्स दी गुड्स टू दी कंसाइनी एंड रेमिट्स नेट प्रोसीड्स एंड प्रिपेयर्स अकाउंट सेल्स। सो यहाँ पे जितनी भी प्रोसीड्स हुए सेल प्रोसीड्स वो कंसाइनी के पार्ट से आप देख सकते हैं एरो कहाँ जा रहा है, कंसाइनर की तरफ। तो जितने भी नेट प्रोसीड्स उसे मिले होते हैं सेल के थ्रू वो सारे जो है वो वहाँ भेजता है और अकाउंट सेल्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है। कंसाइनी के केस में आप बनाएंगे कंसाइनर अकाउंट कंसाइनी की बुक्स में, ठीक है। और कंसाइनर के बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन से लेजर अकाउंट्स ओपन होते हैं, फर्स्ट वन इज़ कंसाइनमेंट अकाउंट्स, नेक्स्ट बनता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और बनता है कंसाइनीज अकाउंट। तो वो तीन चीज़ों के बारे में जो है अकाउंट्स में मेंशन करेगा, जितने भी गुड्स उसने कंसाइनमेंट की तरह भेजे होते हैं इसलिए उसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, एक कंसाइनी अकाउंट बनाना होता है क्योंकि जिसने जो भी उससे कंसाइनी के जो है पार्ट पे उसे जो प्रोसीडिंग्स मिली होती हैं और जो सारी चीज़ें वो इसलिए वो ये वाला अकाउंट ओपन करेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम आउट होता है कि कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनी कौन कौन से जो है अकाउंट्स ओपन करता है तो आप बताएंगे सिर्फ कंसाइनर्स अकाउंट, और कंसाइनर के केस में कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट। तो ये अकाउंटेंसी के पार्ट पे इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये फिगर, आपको याद रखने में भी आसान रहेगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप या फिर ड्रॉप कर लीजिएगा नोट्स में अपने, ठीक है। एंड ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। एज दिस वीक we have covered accountancy as our topic for the one topic one week series, and there are many more videos and many more series to come, so please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail id in this description box and stay tuned to my channel. Agar aapko bhu bcom entrance ya other entrances se related kisi topic mein koi bhi confusion hai to you can mention that in the comment box, I will include them as well. And stay home, stay safe, like the video, share it with your friends and subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any update from my channel, and happy learning.